हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे कुकिंग चैनल तड़का विद एमजे में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे भिंडी फ्राई की रेसिपी। बहुत बढ़िया बनती है खाने में, तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। भिंडी फ्राई बनाने के लिए मैंने ये आधा केजी भिंडी ली है, जिसको मैंने साफ़ करके धो लिया है। अब हम इसको इस तरीके से दो दो इंच के टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ पे मैंने ग्रेवी बनाने के लिए दो टमाटर का पेस्ट लिया है, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और दो मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। अब हम भिंडी में डालेंगे तीन चम्मच बेसन। बेसन में हम भिंडी को मिक्स करेंगे। थोड़ी सी डालते हैं हम इसमें लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। अब इन सभी को हम अच्छे से भिंडियों के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बेसन को हमने भिंडी में मिक्स कर लिया है। अब कढ़ाई मैंने गैस में रख दिया है, उसमें डाल रही हूँ मैं सरसों का तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा लिया है मैंने, क्योंकि हमने इसमें भिंडी को फ्राई करना है पहले। तो सारी भिंडी हम तेल में डाल के पहले फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने सारी भिंडी को तेल में डाल लिया है। इसको हम अच्छे से चलाते हुए बीच बीच में इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। लगभग 10 मिनट लगते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो देखिए, भिंडी हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। देखिए, भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल देते हैं। तो देखिए, मैंने सारी भिंडी को प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें मैंने डाल दिया एक चुटकी हींग और एक चम्मच जीरा। और अब हम उसमें डाल देंगे ये कटा हुआ प्याज। और प्याज को हम यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लेते हैं पहले। तो देखिए, प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं ये एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम 10-15 सेकंड के लिए प्याज के साथ भून लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम ये टमाटर का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालते हैं कुछ मसाले। यहाँ पे मैंने डाला है एक चम्मच नमक, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सभी मसालों को अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे। और अब हम इसको यहाँ पर ढककर पकाएंगे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, जिससे कि ग्रेवी अच्छे से पक जाए। तो 2 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। देखिए, ये अच्छे से पक गया है। ये देखिए। और अब हम इसमें डाल देंगे ये एक कटोरी दही। दही डालने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाएगा ग्रेवी में हमारी, और इसका टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया हो जाता है। दही डालने के बाद हम इसको लगातार चलाएंगे, वरना दही फट सकती है। तो हम इसको इसी तरीके से 1 मिनट के लिए लगातार चलाते रहेंगे। तो देखिए, दही भी अच्छे से भुन गई है ग्रेवी के साथ। अब हम इसमें डाल देंगे ये फ्राई की हुई भिंडी, और इसको अब हम अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम 2 मिनट के लिए इसी तरीके से पकने देंगे ग्रेवी के साथ चलाते हुए, जिससे कि भिंडी के अंदर अच्छे से ग्रेवी का स्वाद चले जाए। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी भिंडी फ्राई बनके तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है दिखने में। तो दोस्तों, अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।